नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आजादपुर मंडी बी ब्लॉक के एरिया में। और इस एरिया में आपको पपीता, चीकू और मिलेंगे केले। तो आइए भैया जी, यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज तारीख है, 9 तारीख है, 9 अगस्त 2024 और शुक्रवार का दिन है। तो देखो भाई, माल देखो इनके पास, तो ये 15 दर्जन होगा, ये भी 15 ही होगा, लग तो रहा है ऐसे 15। तो भैया जी चलो अंदर चलो, दिखाओ माल को हल्का साहब, अपना किताब को समेटो। और आज तो बाबूजी है नहीं, तो आप ही चलो। और शॉप नंबर बता दो एक बार, B808 भाई, B808 नंबर शॉप। और सभी किसान भाइयों को नमस्कार। और यहाँ पे देखो माल, ये सजा के क्यों रखे हो, ये कच्चा रह गया। ये टाइट है, ये जा रहा कंपनी। ओके, कंपनी जा रहा है, ये टाइट है, पकेगा नहीं। ये पक जाएगा अपने आप, अपने आप पक जाएगा। देखो भाई, देखो यहाँ पे देखो माल, देखो भाई सबके पास तो माल उठा के देखता हूँ। आज हल्के में है हल्का सा भाई, क्योंकि अभी माल कम आ रहा है ना भैया, अभी माल कम आ हो गया, पीछे महंगा हो गया माल बहुत ज्यादा। तो इसी वजह से देखो भाई, सारा माल एक दो लॉट दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे भी देखो लॉट, और भैया आए हुए लेने, तो लेके जा रहे हैं यहाँ से। देखो भाई, देखो भाई, तो एक चाहिए इनको, तो देखो जा रहा है माल। और भैया देख के आ रहे हैं, तो फिर मैं पूछता हूँ भैया से क्या भाव है। और देखो माल, देखो मैं सारा वैरायटी दिखा देता हूँ, आज हल्के में ही है, मान के चल सकते हो। तो भैया ये बताओ, आज का जो कच्चे केले का क्या भाव चल रहा है आज के डेट में? अच्छा उधर हो गया, कह रहे 3000 रुपये। 3000 रुपये हो गया क्या क्विंटल? क्विंटल 3000 रुपये भाई, 30 रुपये किलो हो गया भाई। भाई देखो 30 रुपये किलो हो गया है, आप सोच सकते हो कच्चा केले का जो भाव है, और इसको पकाने का जो किराया लगता है, खर्चा लगता है, बहुत कुछ है, रूम का भाड़ा लगता है, एसी का भाड़ा लगता है, सारा कुछ खर्चा वर्चा मिला के रेट हो गया है अभी 750। भैया बता रहे, देखो अभी भैया लेके गए एक क्रेट का 750। कौन सा क्रेट का बता रहे हो, 12 डजन? दोनों सेम रेट है, 12-15। 750। ओके 12-15 750। और क्या बोलते, 15 डजन? 750। और नीचे जो 18 वो लाता नहीं, वो 50 रुपये नीचे होता है। 50 रुपये नीचे, तो इतना माल क्यों नहीं आ रहा है? कुछ माल पता नहीं, उधर कह रहे हैं बारिश हो रही है, पता नहीं। वो बारिश हो रही है तो हाँ, बारिश तो हर जगह में ही है, मानसून आ गया तो सीजन का ऊपर तो बनता ही है। मगर इस बार ज़्यादा रेट हुआ है या पिछले साल भी ऐसा था? इस बार ज़्यादा है, ज़्यादा है रेट। तो गाइस देखो, इस साल ज़्यादा रेट हो गया है, महंगा ज़्यादा हो गया है, तो अब सोच सकते हो बहुत ही ज़्यादा महंगा। तो इतना महंगा रेट, मतलब कब तक उम्मीद है जो 500-600 में आ जाए? अभी 10-15 दिन बाद आ सकता है ना? ना इतना महंगा तो बहुत ही ज्यादा महंगा, कम से कम बाहर तो 100 रुपये किलो भी, 100 रुपये दर्जन दे के चले होंगे। 100-90-80 यही चले। ओके गाइस देखो, बाहर जो सेल कर रहे हैं लोग, तो ये जो क्रेट है ये कौन सा? 12 डजन दही, 12 डजन का, इसका ही रेट 750 ना। तो चलो भैया थैंक यू, आपने बहुत अच्छा रेट बता दिया कच्चे का भी। 3000 रुपये कहाँ 2200-2300 रुपये था, और नीचे करीब 1400-1500-1800 रुपये था क्रेट। पैसे नहीं बन रहे ना, 4 क्रेट बच जाती है, बेकार हो जाते। ओके तो चलो कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, 8076-72-15-40। तो दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। और चलते भैया, थैंक यू। गाइस आज सुबह सुबह नेताजी के पास भी आ गया हूँ आज, नहीं तो दिल्ली आ रहा था देर से 9-10 बजे के बाद। तो आज देखो यहाँ पे केले, पपीते सजा के रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आज। आज माल इनके पास बढ़िया माल दिखा रखा है, सुपर स्टार। तो कैसे हो सर? बहुत बढ़िया बढ़िया। तो ये बताइए सबसे पहले, कच्चे का क्या भाव चल रहा है आज? कच्चे का अभी 8 बजे 9 बजे 9 बजे। ओके हाँ, 9 बजे आएंगे, उनके गाड़िया खुलेंगे, उसमें भी बोली लगता है ना, बोली लग के होता है ना, क्योंकि गाड़िया तो बहुत सारे आते हैं, कम आती हैं, तो उसका बाजार टाइट होती है। हो गया बाजार, आज आज ज्यादा गाड़ी आया हुआ क्या? आज कम है। कितने? 10-11 गाड़ी। तो आज का क्या भाव लग रहा है कच्चे का? कच्चे का नहीं बता सकते ना, पक्के का ही बता दीजिए। पक्के के तो बाजार महंगी है। क्या लास्ट रेट है? 50 रुपए। लास्ट रेट 45 रुपए। 40 रुपए। और नीचे दो नंबर का कोई भाव नहीं, जो भाव दे दो, जो भी भाव दे दो,
पाँच रुपए तो नहीं दोगे ना? तो वाला भी दे देते जब बिल्कुल उस भाई ने कुछ तो वो तो दो मत ना, उसमें तो उसका भी लॉस है। तो लॉस है तो वो अपना निकाल के बना लेता है ना? बना लेता है तो ठीक है, अच्छी बात है, बना लेता है। तो बताओ नीचे कितना, दो नंबर का कुछ तो है जो आपने बोला? हमारे पास है नहीं, है ही नहीं अभी दिया था। दो नंबर 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो भाई, दो नंबर 30 रुपए किलो जा रहा है। देखो सुपर माल जा रहा है, देखो भाई पपीता, देखो देखो 45 रुपए भैया बोल रहे हैं और बाबूजी यहाँ पे 40 रुपए बोल रहे हैं। देखो भाई 40 लगाएगा बता रहा है, देखो दे नहीं रहे। तो रियल में महंगा हो गया हर चीज ना, केले भी महंगा, पपीता भी महंगा, क्या करवा रहे हो ये? महंगाई जरूरी है। ओके ओके, इतना महंगा ही करवा रहे हो? कम से कम कभी कभार इन चीजों में फल फ्रूट है, लोगों को खाना भी है, शायद सावन का वजह से ही होगा मुझे लग रहा है। सावन वजह से नहीं, माल के ऊपर है, माल कम है। तो माल कम है, चलो बरसात भी हो रहा है पीछे, उसके वजह से भी माल कम आ रहे होंगे, रोड वगैरह जाम होंगे, तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको रेट का अंदाजा लग गया है सभी भाइयों को, तो कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। 9011-95-54-36 और शॉप नंबर 20-797। तो दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। अनानास के एरिया में आ गया हूँ, अनानास के शॉप है एकदम कोने पे बी ब्लॉक में। यहाँ पे देखो, ये देखो अनानास, देखो भाई ये है राजा और ये है रानी। भाई रानी को देखो भाई, रानी का ये बड़े साइज में है और ये है छोटे साइज में, हल्का सा छोटा इसका छाट है, जो इसका छाट है यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखो भाई माल का साइज देख लो और ये साइज देख लो, जमीन और आसमान का फर्क दिखाई देगा, नजर आएगा। तो आइए बाबूजी से पूछते हैं क्या भाव लग रहा है। और इधर बाबूजी है, देखो नमस्कार सर, तो कैसे हो भैया? ये हल्का सा साइड दे दीजिएगा, बात कर लेता हूँ उनसे। अभी आज गाड़ी कितना आया हुआ है मंडी में? गाड़ी है 5 गाड़ी, 5 गाड़ी है। तो ये माल कहाँ का आया हुआ? ये रानी, रानी चेन्नई का। अच्छा, चेन्नई का, तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु का। और ये जो है राजा, ये है वहाँ सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी का। तो क्या भाव लग रहा है राजा? राजा चल रहा है 40 रुपए किलो। ओके, और रानी? रानी है मोटा वाला 70 रुपए किलो, और छोटा वाला 60 रुपए किलो। आज रेट हल्का हो गया है, रेट कम हो गया, तो रेट डाउन हो गया भाई, और आपको रेट का अंदाजा लग गया है। और ये माल देखो, ये राजा और ये रानी और उसका छाट। तो और बताइए, आने वाले टाइम में और नीचे जाएगा या यही रहेगा? कोई संभावना नहीं है उसके, बाजार का कोई पता नहीं होता है, आज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ओके ओके, हाँ। तो मतलब गाड़ियाँ खुलती कब है? जब गाड़ियाँ खुलती है 9 बजे 9 बजे 9 बजे गाड़ियाँ खुलती है और आप लोग उसमें बोली ले जाके लगाते हो। तो भाई देखो इनका काम है और ज्यादातर ये बी ब्लॉक में मिलते हैं और सी ब्लॉक में और बी ब्लॉक में ये सारे शॉप है ना। तो भैया जी कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। कॉन्टेक्ट नंबर वो देखो, तो भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संजीव कुमार और दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू बाबूजी, थैंक यू।